मैम अपना नाम बताइए। मैम आज एजुकेशन कर रहे हैं यहाँ पर रोड कॉलेज के बिल्कुल सामने बाबा फरीद कॉलेज के बाहर आप एजुकेशन कर रहे हो, क्या रीज़न क्या है जी? सर यहाँ पे जो भी हम सारे हैं मतलब जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमारे फाइनल एग्जाम्स थे वी ओनली फ्रॉम द कश्मीरी। ओके हमारी फाइनल एग्जाम्स थे 16 को, हमारा फर्स्ट पेपर था। ठीक है, हमारी रोल नंबर सिर्फ नहीं येलो येलो इसकी वजह से नहीं की थी कि हम उन्होंने हम पे फाइन लगाया था। फाइन भी कोई जनरल सा फाइन नहीं था जो हम दे सकते थे, फाइन बहुत ज्यादा था, 30,000 50,000 80,000 तक का फाइन था, वो हम एफोर्ड नहीं कर सकते। किस चीज का पेनल्टी लगा रहे हैं? फाइन इस पे था कि हम 2 मंथ के लिए हम घर पे थे जिसकी कोविड की वजह से घर पे थे, फिर हमारे ऑनलाइन क्लास हम अटेंड करने पर कोई कोई स्किप हो जाता है क्योंकि कश्मीर की मतलब हालत पता है वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम कितनी होती है। कोई क्लास हमने मतलब स्किप हुआ था तो मैम ने बोला उसी की वजह से अटेंडेंस शॉर्टेज और फाइन इतना सारा मतलब ज्यादा चढ़ा है जो हम एफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमारा मतलब एग्जाम था जिस दिन 16 को हम मैम के पास गए थे, पहले ही गए थे कि हमें एफोर्ड मतलब रोल नंबर सिलेक्ट दीजिए, पर उसने एलो नहीं किया। फिर 16 को सुबह हम इतना सा रोए उसके पैर भी पकड़े कि हमें एलो कर दीजिए प्लीज मैम, बस हमारे फ्यूचर का सवाल है। उसने बोला फ्यूचर आपके, मैं क्या कर दूंगी, फाइन पे कर दो जाओ एग्जाम देने के लिए। आपने रिटन में एप्लीकेशन दी है इस चीज के लिए? सर। तो आपके प्रिंसिपल का क्या उसमें? उन्होंने बोला पहले पे करो और फिर बैठ जाओ, तब तक एग्जाम में जाने नहीं दूंगी। फिर वहाँ पे बहुत सारे अनकॉन्शियस हुए तो हमारा फर्स्ट पेपर मिस हुआ। फिर उन्होंने रोल नंबर स्लिप हमें दी जब घर वालों ने मतलब कॉल की, वो भी मतलब उसने शाम को इवनिंग को दी थी, मतलब उससे हमारा फ्यूचर मतलब खराब हुआ था, पहला पेपर हमें मिस हुआ ही था पहले से। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई है? 30 स्टूडेंट्स। तो आपने उनको बोला कि कोई EMI वगैरह कर लो या कुछ ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ? रिलैक्सेशन के बारे में हमने बताया, हमने बताया था कि आप लेक्चर को 10 रुपीज़ या पर 20 रुपीज़ पर लेक्चर कर दो, हम फाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वो जो एप्लीकेशन है फाड़ के आर्टिकल पे। क्या आपका क्या नाम है? मारूफ। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी जो एजुकेशन कर रहे हैं, अभी देखा थोड़ी देर पहले लड़का बेहोश हुआ है, क्या स्टोरी क्या उसकी? हाँ, स्टोरी ये है कि हमारे जो कॉलेज है इनने हम पे बहुत सारा फाइन लगाया है ताकि ये लोग एग्जाम ना दे पाए। इन्होंने हमारी शॉर्टेज निकाली, शॉर्टेज पे फाइन लगाया 70,000 रुपये जो कि नॉन एफोर्डेबल है, जो कि हम एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और रोल नंबर स्लिप भी इशू कब की? जब हमारा एक जो पेपर है वो मिस हो गया था। आप मुझको बताइए कि यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी ने रोल नंबर स्लिप इशू कर दिए थे तो एक पेपर मिस होने के बाद क्यों कॉलेज ने हमको जो है एलो किया? और अगर शॉर्टेज थी वो एक पेपर के लेने, वो हमारे 5 पेपर के लेते, तो एक पेपर हमारा मिस क्यों हो गया? तो कितनी देर से ये आपकी बात चल रही है यूनिवर्सिटी? हमारा तो कॉलेज के साथ 10-15 दिन से चल रहा है, 10-15 दिन से हमारा जो है कॉलेज के साथ बातचीत चल रही है। तो अभी लड़का जो भी होश हुआ उसकी क्या रीजन है? इतना डिप्रेस कर दिया गया, इतना स्ट्रेस में डाला गया कि अनकॉन्शियस हो गए बच्चे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम से कश्मीर के, इनसे बदबू आ रही है। गर्ल्स के बारे में, लड़कियों के बारे में ये बताया गया कि इनसे बदबू आ रही है। कौन ये कमेंट करता है? ये प्रिंसिपल मैम करती है और वो बोलती है मैं इनको बाहर बस्ती के बाहर निकाल, लड़कियों के बाल खींच कर इनको इस कॉलेज से बाहर निकाल। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे पास रिकॉर्डिंग है, दिखा सकते हो आप? Yes, sir. Can you show me? Yes. Where is my phone?